पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से जल्द बातचीत की पैरवी की है। महबूबा मुफ्ती ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान में नई बनी इमरान खान की सरकार से तुरंत बातचीत करने की नसीहत दी है। महबूबा मुफ्ती को लगता है कि अभी नई पाकिस्तान की सरकार से बातचीत कर कश्मीर मसले का विवाद सुलझाया जा सकता है। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा कि जब आर्मी बैकग्राउंड वाले मुशर्रफ से बात हो सकती है तो जनता से निर्वाचित इमरान खान से क्यों नहीं। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी से शुरू से ही कह रही हूं कि इस मसले के लिए पाकिस्तान से बातचीत की जाए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। जम्मू कश्मीर की समस्या राजनीतिक है, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ राज्यपाल का शासन है या फिर किसी और का। अभी पूरा जोर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से पहले कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। अपने इंटरव्यू के दौरान महबूबा मुफ्ती ने बार बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने कश्मीर के लोगों से वादा किया कि वो हालात सुधारेंगे, जो उन्होंने पूरा भी किया। वो पाकिस्तान में मुशर्रफ से मिले और सीज फायर एग्रीमेंट के साथ साथ बस सेवा भी शुरू करवाई। क्या महबूबा मुफ्ती को इमरान खान पर भरोसा है? ये सवाल पूछे जाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने और कश्मीर पर आपस में बैठकर विवाद सुलझाने की बात कही, उससे सकारात्मक और कुछ भी नहीं हो सकता। उधर इमरान खान से शायद सत्ता पर काबिज बीजेपी को भी काफी उम्मीदें हैं। तभी तो पाकिस्तान से बातचीत के सवाल पर मुंह फेर लेने वाली बीजेपी की नेता अब कह रहे हैं कि देश हित में जो होगा वो किया जाएगा। देखिए, जो इस संबंध में देश के हित में होगा सरकार करेगी। इट्स नॉट महबूबा मुफ्ती अलोन हु हैज बीन सेइंग दैट, इवन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैज बीन सेइंग, एंड मेनी कंसर्न्ड लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर and leaders of the country have been saying India and Pakistan will have to engage themselves in a meaningful dialogue in order to sort out the problems which are there between our two countries. Now we have a new leader in Pakistan, Mr. Imran Khan. He has also given adequate indications that both countries must resume some dialogue. Let us see how India and Pakistan are going to engage in the coming days, how the initiative is going to be worked out by both sides, so that both countries talk to each other and sort out the problem. बहुत मेसअप किया महबूबा जी और उनके बीजेपी के लोगों ने। वैली में 30 वर्ष पुरानी छवियां बहाल कर दी हैं। पाकिस्तान से बातचीत करने से पहले एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन तो अपने नागरिकों से कीजिए। आपने जो सरकार चलाई, राम माधव जी ने स्टिच किया था वो अलायंस, वो चार कमरों में महदूद थी। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का अपना नजरिया है, लेकिन आपने पॉलिटिकल कन्वर्सेशन का कत्ल किया। पहले उसको बहाल करिए, फिर और कोई दूसरी बात होगी। तो यही रहेगा जब तक पाकिस्तानी हुक्मरान आतंक को ना रोके। एक बातचीत का सिलसिला पाकिस्तान से लंबा चल नहीं सकता है, तो इसीलिए हमने बार बार कहा है कि जब तक आतंक को ना रोका जाए तब तक बातचीत नहीं होगी। इसीलिए महबूबा को भी, अगर वो सीरियस है कि बातचीत की प्रोसेस शुरू करनी चाहिए, ये सिर्फ कहना नहीं चाहिए कि बातचीत ही सलूशन है, पर साथ में पाकिस्तान से भी कहे कि वो आतंक को रोके। तो रक्षा विशेषज्ञ तो आतंकवाद के साथ साथ बातचीत ना करने की बात कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के साथ साथ बीजेपी को भी लगता है कि इमरान खान से बात कर कुछ हद तक विवाद को सुलझाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से ऑफिशियल बातचीत या डायलॉग प्रोसेस कब और कैसे शुरू होगा, इस संबंध में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज़।